मेरा गला पूरा सूख चुका है, प्यास लगे। तो मैंने शहरी में उठ के पानी इतना चुल्लू पर पिया है ना, वो पता चल रहा है मुझे कि हाँ अभी इतनी प्यास लग रही है, नेक्स्ट टाइम से आऊंगी पानी पी ली उठ के। मैंने वैसे बोला हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो, से स्टार्ट करते हैं जियो हॉल। इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने मीशो चिकनकारी हॉल किया था एंड द क्वालिटी आप जाके देख लेना क्या ही क्वालिटी थी। बट इस टाइम मैंने सोचा कि मुझे सही में अच्छी क्वालिटी दिखानी है, जिसे आप पहन के खुश हो, जो थोड़ा महंगा भी हो तो चलेगा बट पहनने पे उनका प्राइस पता चलना, वर्थ इट लगना चाहिए जब आप पहन रहे हो। तो ये सारी चीजें सोच के मैंने ये कुर्तियां ली है। दीज आर प्रिटी एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी यू रियली गोना एंजॉय वाइल वेयरिंग दीज कुर्ती। दिल से आपको अंदर से खुशी मिलेगी हाँ कि आपने इतना पे किया है। तो ये कुर्तियां सही में सुंदर है एंड एथनिक, अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो थोड़े से पैसे लगते हैं बट सही में आप उनको बहुत साल तक पहन सकते हो, बहुत बार पहन सकते हो और अच्छा भी लगता है। यस, तो ये मेरे प्रिटी एक्सपेंसिव कुर्ती का एक्सप्लेनेशन था। ने पहना था और आई एम मैं बिच गई इनके प्यार में कि पांच चीजें मंगवाई थी, पांच एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कुर्ता बट मुझे चार ही रिसीव हुए हैं। पांचवा जब आएगा मैं शॉर्ट्स में दिखा दूंगी। यस, सो यहाँ हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट भी है, कुछ रह जाए तो वहां दिखा सकते हैं हम। मैंने हैंगर में भी लगा दिया सबको। ओके, सो चिकनकारी कुर्ती पहले दिखाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज दिस स्टील कलर कुर्ता। ओ माई गॉड, दिस ब्यूटिफुल वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क गोइंग ऑल ओवर इट। आई एम इनसेनली लव विद दिस वन। ये हाथ का थ्रेड वर्क है, दिखाती हूँ कैसे मुझे पता चला। दीज लूज एंड्स ये शो करता है कि ये हाथ का थ्रेड वर्क किया गया है। आई थिंक मैंने इस कलर का ऐसा कुछ लिया नहीं है अब तक, हाँ नहीं लिया कोई भी कुर्ता ऐसा कुछ नहीं लिया। और इसको लेने के वक्त भी मैं डाइसी थी कि मैं कौन सा कलर लूँ। मैंने ग्रीन कलर और पिंक कलर ऐड किया था बट उस टाइम मेरे साइज में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है ये वाला लेते क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट मैंने ट्रस्ट नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं और चिकनकारी कुर्ता देखूं बट कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जो सुंदर सा लगे, जिसकी लेंथ भी अच्छी खासी मिडी से थोड़ी लॉन्ग हो। और मेरी हाइट 5'3" है तो आप देख सकते हो ये मेरे पे इतने लेंथ पे आ रहा है। यस, जस्ट फॉर योर फ्रेंड। तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था कि जो कम्फर्टेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो, चिकनकारी वर्क भी काफी सुंदर लगे, एलिगेंट लगे। तो ये सारी चीजों को देख के मैंने ये कुर्ता मंगवाए हैं एंड दे डिलीवर इट। The embroidery work is so beautiful. और इसका जो material है वो भी काफी अच्छा है, linen mixed with this thread work going all over it. मैं बहुत ज्यादा काफी अच्छा बोल रही हूँ, बड़ा यहाँ पे देख सकती हूँ मुझे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया यह कुर्ता, बहुत सुंदर है। ओके, देखा फर्स्ट साइड लव आपको इनसे हो जाएगा, इन कुर्तों से। रिसेंट में कहीं गई थी और मैंने ये कुर्ती पहनी थी, यू गाइज वर आस्किंग की कहाँ से ली। दो तीन लोगों को मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, बहुत अच्छे कपड़े पे ये जो थ्रेड वर्क किया गया है एंड दिस डिजाइन पैटर्न जो यहाँ से ये बेल्ट, ये सिर्फ ये डिजाइन नहीं है, एक्चुअली जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है अलग बनाया गया है। सी ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग से ज्वाइन है पूरे में, इसलिए इसका लुक काफी अच्छा सा सुंदर सा आ रहा है। इसको मैंने लिया है स्मॉल साइज में एंड जैसा आपको एक चिकनकारी से फिटिंग चाहिए ना बिल्कुल वैसा ही है। एंड आफ्टर द डिस्काउंट आई पेड 1800 फॉर दिस वन, बट मैं क्वालिटी से काफी खुश हूँ। सही में मुझे लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी का चिकनकारी कुर्ता होना चाहिए फॉर द कॉलेज या कहीं ऐसे जाने के लिए या कहीं एयरपोर्ट लुक्स में भी आप इस वाले चिकनकारी कुर्ते को आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे बटन नहीं है, सिर्फ ये डिजाइन है और एंड में भी इस पे बहुत अच्छे से थ्रेड वर्क किया गया है पूरे बॉर्डर पे, साइड में पूरे पे थ्रेड वर्क है, नीचे पूरे पे थ्रेड वर्क है, बैक पे भी काफी अच्छा सा थ्रेड वर्क है। सी दिस थिंग, जो इंस्टाग्राम स्टोर्स वाले चिकनकारी कुर्तीज है ना तो उनका भी मैंने प्राइस जाके चेक किया, दे आर गिविंग फॉर 4K 3K ऐसे ही मिल रहा है। सो AJIO पे ही सबसे ज्यादा आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी वाला चिकनकारी मिल रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस मस्टर्ड येलो कलर। ओ माई गॉड, सो मच ड्रामा गोइंग ऑन दिस पीस एंड दिस चिकनकारी वर्क एट द फ्रंट इज प्रिटी नाइस। इस पे ये फूल वाले हैं जो कॉलर पे इनका ज्यादा फोकस है एंड नीचे थोड़ा बहुत वर्क है बीच में स्कैटर्ड और या द बॉर्डर एवरीथिंग।
आई एम स्पीचलेस लाइक सही में. मुझे पता है इस वाले हॉल में सिर्फ मैं ऐसे तारीफ ही ऐसे करती जाऊंगी कि हाँ इतना अच्छा है. दिस इज फ्रॉम इतनावा चिकन कलेक्शन एंड इसको भी मैंने स्मॉल साइज में लिया है. ये बैक का वर्क है, बहुत ज्यादा सुंदर है. अगर आप ऐसे समर कलर्स देख रहे हो ना तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो. अभी रमजान टाइम में कहीं दावत पे जाने के लिए या कहीं ऐसे शॉपिंग भी करने के लिए आप इन कुर्ती को पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा. समर कुर्ती वाइब. मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस पर्पल कलर. अगेन एवरीथिंग इज सेम, जस्ट आई बॉट इन अ डिफरेंट कलर. मैंने इतना ढूंढने के बाद लिया तो आप देख सकते हो कि सेम ही में ही डिफरेंट कलर है. सिर्फ यही तीन चिकनकारी कुर्तियां मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी एजियो पे, आई लाइक कि मुझे ये चाहिए. एंड टील वाले कलर में मैंने पिंक कलर भी ऐड किया था बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था इन माय साइज, सो इसलिए वो रह गया. बाकी दीज थ्री आर अमेजिंग. एंड इस पे भी ये थ्रेड वर्क वाला ही कपड़ा इन्होंने यूज किया है, सामने से आप देख सकते हो. काफी सुंदर एंड काफी लाइट वर्क है, बॉडी पे काफी लाइट लाइट सा फील होता है. लाइक समर में दीज कुर्ता विल मेक यू फील रिलैक्स कंफर्टेबल. पहन के आप इनको कहीं भी जा सकते हो, व्हाइट पजामे पे इंडो वेस्टर्न लुक करना है तो डेनिम पे पहन सकते हो, काफी क्लासी लगेगा. आप ऑफिस में पहन के जा सकते हो इन कुर्तीज को. इसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन लग रहा है, तो सोच लो कि पहनने के बाद कितना ज्यादा आपकी बॉडी पे ऐसे लगेगा, ओ यू आर सो रिलैक्स इन दिस स्क्रॉचिंग समर. अभी वैसे ही गर्मी आ ही रही है, एक तो ये उतर क्यों रहा है. ठीक है, मूविंग टू द सूट. मैंने दो मंगवाया था, एक ही मुझे रिसीव हुआ. अगेन एम्ब्रॉयडरी वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ चिकनकारी कुर्ती हॉल तो वैसे ही कुछ मंगाना था मुझे. एंड अगेन आई लव दी स्टील कलर एंड दिस मटेरियल इज प्रिटी नाइस. और आपको पता है कि ये जो से मैं कुछ भी लूं, चाहे वो कितना अफोर्डेबल हो या कॉस्टली हो, बट उनकी क्वालिटी सही में अच्छी होती है. मटेरियल में वो कभी ऐसे नहीं करते कि हाँ कुछ भी बना दिया. एजियो पे जो भी ब्रांड लिस्टेड है ना, दे डिलीवर अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट. जस्ट लाइक दिस कुर्ता इज नाइस एंड इट हैज दिस स्लीव्स जिसमें ये क्या कहते हैं रफल टाइप का है. द ड्रामा इज अगेन गोइंग ऑन एंड कैन यू सी द एम्ब्रॉयडरी वर्क हियर. ये ईद के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा. इन जनरल आपको ऐसे कहीं दावत आवत में पहन के जाना है तो आप पहन सकते हो. काफी अच्छा किया एंड काफी बारीकी वाला. ये मशीन का ही काम है, इसको तो देख के मैं बता सकती हूँ. एक मैंने ना बहुत लंबी ऐसे चिकनकारी हॉल चिकनकारी वीडियो देखी थी, इसमें था कि आपका फेक चिकनकारी और रियल चिकनकारी कैसे पता चलेगा. सो दैट्स आई गॉट टू नो कि अच्छा ये डिफरेंसेस होते हैं. कुछ आपको अगर ऐसे सस्ते में मिल रहा है या कुछ ऐसे पैसे में मिल रहा है तो क्या डिफरेंस है. या इसमें पूरे नीचे तक ये बॉर्डर है, बॉर्डर पर पूरा ये सुंदर सा वर्क किया गया है. दैट प्रिटी नाइस एंड इट हैज दिस एम्ब्रे इफेक्ट टील विद अ पिंक कलर दुपट्टा. तो दुपट्टे के चारों एंड पे ना ये सुंदर से टेजल्स लगाए हैं, सारे कलर्स यहाँ पे लगा दिए हैं जिमिन की तरह. एंड इट हैज दिस दुपट्टा, इट हैज दिस पैंट्स विद द बेल्ट. ये थोड़ा लूज है मेरे वेस्ट लाइन पे, मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया है बट ये लूज है. काफी लिनन मटेरियल है, यस दे हैव दिस लिनन मटेरियल, पूरा वही लिनन मटेरियल का ही टेक्सचर है. यस काफी सॉफ्ट एंड अच्छा है. सो दिस इज फॉर माई लाइक कुर्ता हॉल फ्रॉम एजियो. आई होप यू रियली एंजॉयड एंड फाउंड दिस हेल्पफुल. ये मुझे जल्दी इसलिए बनाना था क्योंकि रमजान ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं और ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे जल्दी, तो इसलिए मैंने कहा कि जिन जिनको पहनना है, जिन जिनको ईद के लिए भी ऐसे आइडियाज चाहिए सेकेंड थर्ड डे ईद में पहनने के लिए, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, अच्छा लगेगा. काफी काफी कैजुअल एंड स्टाइलिश भी है, आप ऑफिस में भी इन जनरल भी पहन सकते हो, कॉलेज में भी. यस सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली एंजॉयड एंड फाउंड दिस हेल्पफुल. सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक subscribe and yeah I'll meet you next time with another amazing video. ये अफोर्डेबल भी लेके आऊंगी, मैंने सही में बहुत ढूंढना था वहां पे अफोर्डेबल, बट इतना कुछ अफोर्डेबल मुझे मिल नहीं रहा था. जैसा आई सेड कि मुझे चिकनकारी कुर्ता कब से चाहिए भी था एंड अच्छी क्वालिटी में, मैंने सोचा कि यही मैं दिखा दूं ताकि काम आ जाए आपको भी एंड यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ये चीजें मिल रही है अच्छी क्वालिटी में. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.